शिमला जाते समय सोलन के पुराने बस स्टैंड पर आरएसएस के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएस कोकसे का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष बीएस कोकसे ने शिमला में होने जा रहे जन जागरण अभियान में सभी हिंदू भाइयों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और ये आह्वान किया कि वह जल्द ही राम मंदिर बनकर रहेगा और अब कोई भी ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि आज इस बात की आवश्यकता है कि सभी हिंदू अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं बल्कि वह उन्हें आंदोलन के माध्यम से जाहिर करें। इस मौके पर आरएसएस के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस कोकसे ने कहा कि वह न्यायिक प्रक्रिया से थक चुके हैं और अब आंदोलन ही एकमात्र राम मंदिर निर्माण का एक जरिया है, इसीलिए सभी हिंदुओं को राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर चुनावी स्टंट नहीं है क्योंकि भाजपा बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ा सकती और न ही देश की जनता मूर्ख है कि वह बार बार राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा को वोट देगी। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा हिंदू समुदाय से जुड़ा है और इसीलिए अब मंदिर के निर्माण को कोई भी नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि भारत में 80% हिंदू हैं, इसीलिए हिंदुत्व खतरे में नहीं है बल्कि हिंदू मान्यता और संस्कार खतरे में है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो अब आप देखो चुनाव का मुद्दा होता तो एक चुनाव में समाप्त हो जाता, दूसरे चुनाव में कोई लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि आपको उसी मुद्दे के ऊपर आपकी बात सुनेंगे। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं, 1984 से आंदोलन चल रहा है, कई चुनाव हो गए, कई उसमें कांग्रेस की भी गवर्नमेंट आ गई, बीच में अटल जी की भी गवर्नमेंट रही, सब कुछ हो गया, राज्यों में सत्ता पलट गई कई बार, राम जन्मभूमि के मुद्दे पे थोड़ी पलटी थी। तो ये कहना कि ये हम इसकी राजनीति कर रहे हैं, इतने मूर्ख तो कोई भी नहीं होता, बीजेपी वाले भी इतने मूर्ख तो नहीं है कि उनको ऐसा लगे कि अब इसके कारण से उनको वोट मिलेंगे, ये होता नहीं है। कि न्यायालय से तो हम थक गए, अब न्यायालय में कितने साल तक चलेंगी, तारीख पे तारीख होता रहेगा, जब इसका पूरा विरोध खत्म हो जाएगा तब न्यायालय निर्विरोध होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, थक जाएंगे विरोधक, उनको समझ में आ जाएगी कि हम इस तरीके से नहीं कर सकते। हिंदू कभी खतरे में रहा नहीं आज तक, कभी रहेगा नहीं, हजारों साल से इतने आक्रमण झेलने के बाद भी हम खड़े हैं। आज भी इस देश में 80% हिंदू हैं, इतना सब हो जाने के बाद भी, तो इसलिए हिंदुत्व खतरे में या हिंदू खतरे में, हम ये तो इस्लाम वाले देते हैं नारा, हम नहीं देते। हम कह रहे हैं हमारे जो मान्यताएं हैं, हमारे संस्कार हैं, वो खतरे में, नई पीढ़ी को वो संस्कार होना चाहिए, नई पीढ़ी में जो हमारी पुरातन संस्कृति है, पुरातन हमारे ज्ञान है हमारा, उस सब के प्रति आदर होना चाहिए।